वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर सिनसना। सो आपको याद है कि हम लास्ट व्लॉग में कहाँ थे? याद है तो ठीक है, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हम लोग बुदापेस्ट में थे और बुदापेस्ट के बुदा कैसल से हम लोग बाहर निकल चुके थे और अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या क्या है। तो अब हम आ गए हैं संदूर पैलेस में। ये पैलेस 1806 में बना था और इस पैलेस में उस टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अप टू डेटेड था। इसमें स्टीम हीटिंग थी, प्लम्बिंग थी, बाथरूम्स अच्छे बने हुए थे, गेमिंग रूम था, स्मोकिंग रूम था, विंटर गार्डन था, इवन उन्होंने कासल के थिएटर तक जाने के लिए कवर्ड पैसेज भी बनाया हुआ था। सो अब हम पहुंच गए हैं मैथीस चर्च। इसे चर्च ऑफ आवर लेडी भी बोलते हैं और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि इसके साथ एक और बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था चर्च ऑफ मैरी। ये सेंट स्टीफन ने बनवाई थी, लेकिन क्या हुआ था, जब मंगोल्स हंगरी में आके बस गए थे उसके बाद जब किंग बेला फोर आए थे वहाँ पे, उन्होंने इस बिल्डिंग को हटा करके डेन्यूब बेंड की तरफ कर दिया था। और ये भी माना जाता है कि उस टाइम पे तुर्क्स ने आ करके इसे मोस की तरह यूज़ किया था इस बिल्डिंग को, लेकिन उसके बाद इसे खाली करा लिया गया था और आज इस बिल्डिंग को वेडिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्सर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, सेलिब्रेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो आर्किटेक्चर है, इसके जो वार्मनेस है, इसके जो कलर्स हैं अंदर से, बहुत ही अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। और ये देखिए एग्जैक्टली चर्च के सामने यहाँ पे सेंट स्टीफन का स्टैचू भी इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ से देखिए मोस्ट आइकॉनिक हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। हम एक यूनिवर्सिटी टाइप सिचुएशन में आ गए, पता नहीं क्या है ये, बहुत कुछ अच्छा सा है, सुंदर सा दिख रहा है, सुंदर सा। अच्छा एंट्री भी है भाई इसकी, तो देखते हैं क्या है। टूरिस्ट सारे जा रहे हैं गाइड्स के साथ वाले, तो अपन भी जाएंगे, एक फोटो हो जाए। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ हंगरी और ये एक नेशन का रिकॉर्ड कीपर होता है। यहाँ पे 21st सेंचुरी के सारी चीज़ें, सारे कैटलॉग, सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह संभाल के रखे गए हैं। तो हम इस गेट से एंटर तो कर चुके हैं लेकिन हम लोगों को अंदर नहीं जाना है, हमारे पास टाइम भी कम है और हमें वापस से अपने हॉस्टल जाना है। सो हम लोग यहाँ से निकल के आगे देखते हैं कि क्या आता है। ऐसा पता क्या हुआ था, हमें ना टिकट लेनी थी ट्रांसपोर्टेशन की, बट हुआ क्या कि हमने वहाँ पे अपने हॉस्टल वाले से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे 10 टिकट्स वाला रूल है और सिंगल टिकट वाला रूल है। ऑस्ट्रिया में था 30 मिनट्स, 90 मिनट्स एंड 24 hours, 72 hours। सो हमने सोचा कि हम सिंगल टिकट लेके आए, हमने सोचा हम 72 hours की लेंगे, अदरवाइज़ 10 टिकट्स ले लेंगे, दैट्स इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। फिर हुआ क्या, 10 टिकट की बजाय हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि हमें, हम वहाँ नीचे ही अपने हॉस्टल में बैठे थे, हमें हॉस्टल वालों ने बताया कि यहाँ पे कोई 2 टिकट्स 72 hours वाली छोड़ गया है, जो कि अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं की गई है क्योंकि वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। सो हुआ क्या, हमने वो टिकट्स ले ली और कल का पूरा दिन निकल गया, हमने सिर्फ वापस जाने के लिए यूज़ किया, आज हमने सिर्फ आने के लिए यूज़ किया। अभी भी हम स्ट्रीट्स पे सिर्फ वॉक कर रहे हैं। हम लोगों को फ्री की ना चीज़ें हज़म नहीं होती। खुशी तो हमें बहुत हुई थी कि भाई फ्री की टिकटें मिल गई, हमारा पैसा बच गया। पता है 5500 फॉरेन की एक टिकट थी वो, और हम लोग इतने महान हैं कि हमने उसको अभी तक यूज़ भी नहीं किया है और हम लोग अभी भी सड़कों पे ऐसे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हमें नहीं पता, हमारा नेट नहीं चल रहा है, बट हम चल रहे हैं। बट स्ट्रीट व्यू, टाउन व्यू बहुत सही है, हमने काफ़ी चीज़ें तो घूम ली है, एक आधी चीज़ अगर और मिल जाएगी तो बढ़िया है। वैसे यहाँ पे ना 8:30 बजे के बाद ही मेन दिन शुरू होता है और आज वीकेंड है, आज सारी रात पार्टियाँ चलेंगी लोगों की, क्योंकि हंगरी जो है स्पेसिफिकली बुदापेस्ट फेमस है अपने बार्स के लिए। सो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, मतलब 8:30 बजे भी ना यहाँ चांदना हो रहा होता है, दिखाया था ना कल मैंने,
घूम लेंगे हम, बहुत टाइम है हमारे पास, 4 बजे तक हम 2 बजे चालू हो रहे हैं, बहुत टाइम है। तो अभी हम पहुंचते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, कहाँ से कैसे जाना है पता नहीं, अभी ट्रांसपोर्ट देख लें दोबारा से मिल जाए तो हम भूजा से पेस्ट की तरफ चलेंगे, एक दो चीज़ें वहाँ देखेंगे। अगर मैं सही प्रनाउंस कर रही हूँ तो हम लोग उतरे हैं होजोक तेरे मेट्रो स्टेशन पे, और इसके जस्ट एग्जैक्टली सामने हमको दिख जाता है हीरो स्क्वायर। एंड यू नो व्हाट, इसका पाथ ऐसा है कि हम वहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते थे और हमें घूम के जाना पड़ रहा है दूसरी तरफ से। सो अब हम आगे की तरफ जाएंगे, फिर वापस उस तरफ निकलेंगे हम लोग। या एंड दिस इज अनदर साइड ऑफ मी, बट यार ये बड़ा गंदा है कि हमें घूम के जाना पड़ रहा है, हम सीधा नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, बट ठीक है। ये पाथवे है, यहाँ से हमें वहाँ जाना, यहाँ से हमें वहाँ जाना। तो ये है हीरो स्क्वायर, जो कि आइकॉनिक मिलेनियम मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है, और इसके अंदर 7 चीफटेन्स ऑफ माग्रियाज हैं और दूसरे हंगेरियन नेशनल लीडर्स के स्टैचूज बने हुए हैं, और ये स्टैचूज जो है इनको मेमोरियल स्टोन ऑफ हीरोज भी बोला जाता है, और ये सिटी पार्क के पास बना हुआ है और अपनी हंगेरियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पूरा गार्डन मिला है एंड देयर इज अ फाउंटेन टू, बहुत सारे स्वीट फूड है सारे, अभी खुलेंगे मेरे को। हाँ एंड दिस इज सम प्लेस, ये क्या है हमें खुद नहीं पता, हम जाके देखते हैं, यहाँ की लैंग्वेज तो समझ में आती ही नहीं है हम लोगों को, क्या ही करें हम। ये देखो हम सिर्फ समझ सकते हैं ये बियर है, ये कुछ केवी कड़वा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक है जिसे यूटॉक बोलते हैं। सो ये है वजदा होयत कासल, और ये यूरोप का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल म्यूजियम है, और जो इसको बनाया गया था बहुत ही अच्छे मार्बल के स्टोर्स यहाँ लगाए गए थे। ये सिटी सेंटर में लोकेटेड है, स्पेसिफिकली एक लेक के बगल में, और इसमें एग्रीकल्चरल एनिमल्स ओवर टाइम कैसे डेवलपमेंट हुई वो सब दिखाया गया है। साथ में इन्होंने लाइफ ऑफ हंटर्स दिखाया है, फिशरमैन की लाइफ कैसी थी, वुड्समैन की लाइफ कैसी थी, वो कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, और कुछ पेस्टोरल आर्टवर्क्स को भी इस म्यूजियम में संभाल के रखा गया है। कवर करने के बाद हमारे पास आता है एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग है, बहुत सारी सारी शॉपिंग है, और हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो हम जा रहे हैं, घुस रहे हैं इसके अंदर। अरे यार मुझे लगा था यहाँ शॉपिंग है, बट थोड़ा आगे गए तो स्टॉल्स ही स्टॉल्स नज़र आ रहे थे, तो हमने लोकल से बात करी और लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे वीक में एक दिन मेला लगता है, तो उस मेले की ही तैयारी हो रही है, और ये मेला अभी 2 घंटे में शुरू होने वाला है, इसीलिए वो सारे टॉयज़ और जो गेम्स होती हैं और जो स्टॉल्स हैं अभी
लग रहे हैं, तो 2 घंटे बाद आने हमें बोला गया, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बट आई डू थिंक सो कि मुझे ये व्लॉग यहीं एंड कर देना चाहिए, बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं आपको मिलती हूँ नए व्लॉग में नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, इट्स फ्री, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।